हम हालात पर काबू करने में कामयाब रहे। यूनिक्रॉन को रोकने के लिए हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। दुश्मन साथी बन गए, साथी हिस्सेदार बन गए। और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से पृथ्वी बच गई। लेकिन उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब ऑप्टिमस ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को सौंपा, तब उसने प्राइम्स के जमा किए गए ज्ञान के साथ कुछ और भी खोया। कौन है ये? हमारे जानी दुश्मन। उसने अपनी याददाश्त खो दी। मैं समझी नहीं, ऑप्टिमस मेगाट्रॉन के दोस्त थे? हाँ, वो भी जिगरी दोस्त। अगर ऑप्टिमस को खुद का नाम याद नहीं, मतलब उसके हिसाब से उसे प्राइम का खिताब अब तक मिला नहीं है। क्या 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 मतलब? क्योंकि सांचा अब उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो एक बार फिर से वही पुराना ऑप्टिमस बन गया है, जो ना ही प्राइम था ना ऑप्टिमस, बस एक पुराना मामूली क्लर्क था, ओरायन पैक्स। मतलब उन्हें ऐसा लगता है। तुम ये कहना चाहते हो कि प्राइम को लगने लगा है कि वो एक लाइब्रेरियन है और डिसेप्टिकॉन भी? सावधान वीरो, फिलहाल हमारा मेहमान अकेले में आराम कर रहा है, लेकिन जब ओरायन पैक्स वापस आएगा तब उससे तमीज से पेश आना। और अगर किसी ने उसे ऑप्टिमस प्राइम कहा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लॉर्ड मेगाट्रॉन, मैं मानती हूँ कि वो एक ऑटोबॉट था, लेकिन क्या उसे यूं खुलेआम छोड़ना खतरनाक नहीं है? मेरी मर्जी के बगैर इस शिप में एक बटन भी नहीं दबता, इस बात को याद रखना अरैकनिड। लेकिन तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ओरायन में वो दम नहीं जो ऑप्टिमस में हुआ करता था। फिर वो हमारे किस काम का है? तुम देखोगी कि ओरायन पैक्स हमारे कितने काम आएगा। जीतने की आदत डाल लो मेरे दोस्त। डिसेप्टिकॉन बनना कोई भी चुन सकता है फाउलर, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑप्टिमस जैसा कोई उसे चुनने का फैसला कर सकता है। तो वो डिसेप्टिकॉन्स के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेगाट्रॉन ने उन पर कोई जादू टोना किया है। भले ही ओरायन पैक्स अब एक ऑटोबॉट ना हो यहाँ से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो हमेशा से वही रहेगा यहाँ से। हमें सिर्फ ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। एक सेकेंड, मैं इंसान हूं और मुझ में भी एक चिप लगाई गई है जिससे सरकार को पता रहे मैं कहां हूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं कि प्राइम कहां है। पृथ्वी के कोर में जाने के बाद से ऑप्टिमस का सिग्नल गायब हो गया है, लेकिन हमें उसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो उसके कंटिंजेंसी प्लान को पूरा करने की उम्मीद छोड़नी होगी। कंटिंजेंसी प्लान? मैं कुछ समझा नहीं। ऐसा कोई वर्ड है भी? यानी वो चाबी, ये किसकी है? ये वेक्टर सिग्मा की एक चाबी है, जहाँ सारे प्राइम्स का ज्ञान संभाल कर रखा हुआ है। क्या वो किसी तरह का सुपर कंप्यूटर है? तो हम ऑप्टिमस की याददाश्त दोबारा उनमें डाउनलोड कर पाएंगे? बढ़िया, कहाँ है वेक्टर सिग्मा? यहाँ पर है या पीछे कहीं है? वेक्टर सिग्मा सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर है जैक, वो रहस्यमयी शक्तियों का एक प्राचीन स्रोत साइबरट्रॉन पर है। तुम ऑटोबॉट्स के कब्जे में थे, उन्होंने तुम्हें काफी समय से बेहोश रखा था, और हमें वो पूरा वक्त दूसरे प्लैनेट पर गुजारना पड़ा। दूसरे प्लैनेट पर क्यों? क्योंकि योद्धा रैचेट के गलत इरादों ने इसका
ये हाल बना दिया। साइबरट्रॉन, जैक्सन डार्बी, तुम किसी दूसरे प्लैनेट पर नहीं जाओगे। मैं जाऊंगी। तुम भी नहीं जाओगी मीको, इनमें से कोई एक चला जाएगा। जून सही है, ऑटोबॉट्स का काम ये लड़का क्यों करेगा? क्योंकि वेक्टर सिग्मा को या तो एक प्राइम खोल सकता है या उसका चुना हुआ कोई शख्स। ऑप्टिमस ने यह चाबी जैक को दी थी, अब उस पर जैक की यह खास छाप पड़ चुकी होगी। मतलब जैक भी एक तरह से महान प्राइम बन गया है। यूं समझ लो कि जैक ही हमारे ऑटोबॉट ऑप्टिमस को वापस लाने की एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन ऑप्टिमस ने एक इंसान की जान खतरे में क्यों डाली, वो भी एक बच्चे की। मैं बच्चा नहीं रहा मॉम। शायद ऑप्टिमस को जैक में वो नजर आया जो हम नहीं देख पाए। मकसद चाहे जो भी हो, जब तक साइबरट्रॉन पर जाने का रास्ता नहीं मिल जाता, ये चाबी बेकार है। वहां जाने का कोई तरीका नहीं है। डूड, ये है ना हमारे पास। मीको, ग्राउंड ब्रिज के जरिए वो मुश्किल से अर्थ पर लौट पाए थे, याद है? हाँ, पर रैचेट ने इसे बनाया है तो वो इसे टर्बो चार्ज कर देगा। यकीन नहीं होता कि रैचेट ऐसा भी कर सकता है। हाँ, और इतनी तबाही के बाद भी उसकी ताकत की भूख मिटी नहीं है। उसकी हरकतों की वजह से हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ के लोग हमसे अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमने उन्हें बचाने का जिम्मा लिया है। जो साइबरट्रॉन में हुआ वो यहाँ नहीं होगा। एक सवाल है मेगाट्रॉन, हमें डिसेप्टिकॉन्स क्यों कहते हैं? ये भी ऑटोबॉट्स की ही गंदी चाल थी। वो चाहते थे सब हमें शैतान समझे, पर हम इस नाम को गर्व से लेते हैं। अगर सच्चाई की रक्षा करना गुनाह है तो गुनाह ही सही। अब चलो ओरायन, बातचीत तो बाद में भी कर सकते हैं, तुम आराम करो। मेगाट्रॉन, रैचेट को उसके किए की सजा देने के लिए मुझसे जो बन सके मैं करूंगा, और तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लगता है हम ओरायन को झांसा देने में कामयाब रहे, अब वो हमारी उंगलियों पर नाचेगा। तुमने डेटा कोर को खाली कर दिया, बढ़िया। हमारे नए मेहमान को जितनी कम जानकारी मिले उतना अच्छा रहेगा। उसे हमारे बारे में ऐसा कोई सुराग नहीं मिलना चाहिए जिससे उसे शक हो। दो बॉडी स्लैम बर्गर स्पेशल्स, एंजॉय। हाय जैक। सियरा, तुम आजकल दिखते क्यों नहीं? ये तुम क्या कह रही हो, हमारी तो केमिस्ट्री थी ना। क्लास, केमिस्ट्री क्लास। मेरा मतलब स्कूल के बाद से है, किसी पार्टी में नहीं दिखते हो और ना ही मॉल में। वैसे ज्यादातर मैं ये हैट पहने तुम्हें यही मिलूंगा, और क्या है कि बाकी वक्त मैं सेट की पढ़ाई में लगा रहता हूँ, फिर कुछ और काम भी निपटाता हूँ। रुको, जाना मत। वेलकम टू ड्राइव इन, आपका ऑर्डर क्या है? 5 बज गए जैक, शिफ्ट खत्म, चलो चलें। ओह, तो ये काम निपटाते हो। सियरा, रुको, वो मेरी मॉम थी। तुम्हारी मॉम बाइक पर अच्छी लगती हैं, इन कपड़ों में। मैं बीच में टांग अड़ाना चाहती तो नहीं थी। हमेशा अड़ाती हो। ऑप्टिमस का पता चला? आज तो नहीं, अब तक नहीं। साइबरट्रॉन पर जंग के आखिरी दिनों में जब हमने आयाकॉन हॉल के रिकॉर्ड्स हासिल किए थे, तब हमें कुछ खास जानकारियां मिली थी जो ऑटोबॉट्स के कोड्स में थी। अब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। उन ऑटोबॉट कोड्स का मतलब आयकॉन का क्लार्क ओरायन पैक्स बड़ी आसानी से बता पाएगा।
काफी कुछ दांव पर लगा है तो क्या हमें सुरक्षा का इंतजाम कड़ा नहीं करना चाहिए? नॉकआउट, मेरा मानना है कि ओरायन कम तनाव भरे माहौल में ज्यादा अच्छा काम करेगा और उसे शक भी नहीं होगा। फिर भी मैंने जानबूझकर ओरायन को एनर्जॉन के कमरे के काफी नजदीक वाले कमरे में काम करने की जगह दी है, जो हमेशा कड़ी निगरानी में रहता है। मान गए। रैचेट, क्या तुम ग्राउंड ब्रिज को टर्बो चार्ज कर रहे हो? वैसा ही कुछ। ये सिर्फ एक कोशिश है, ज्यादा उम्मीद मत लगाओ। ओरायन, आयाकॉन का काम कहां तक पहुंचा? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ 3 कोड ही समझ पाया हूं। और उन कोड से तुम्हें क्या पता चला? जंग के दौरान इसे किसी ऑटोबॉट क्लर्क ने लॉक कर दिया था मेरे बेहोश होने के बाद। जितना मैं समझ पाया हूं उसके हिसाब से ये कोऑर्डिनेट्स लगते हैं उस जगह के जो इसी प्लैनेट पर है। मुझे शक है कि उन्होंने वहां पर कुछ छिपा कर रखा है, साइबरट्रॉन की किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए। जैसे कोई ऐतिहासिक दस्तावेज या कोई पुरानी निशानी? मुझे तो डर है कि वो कोई बेहद खतरनाक हथियार हैं, जिन्हें सही वक्त के लिए छिपा कर रखा है। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस चीज को ऑटोबॉट के हाथ लगने नहीं दे सकते, कभी नहीं। अच्छा हुआ जो तुम हमारे पास लौट आए ओरायन पैक्स। लॉर्ड मेगाट्रॉन, एक बात अब तक मुझे समझ में नहीं आई। मुझे जो जानकारियां मिली हैं उनके मुताबिक स्टार स्क्रीम आपका डेप्यूटी कमांडर है, फिर भी मैंने उन्हें अब तक शिप पर नहीं देखा। अफसोस, कमांडर स्टार स्क्रीम मर चुका है। ओरायन बहुत सवाल पूछता है, एक क्लर्क के लिए अच्छी आदत है लेकिन डिसेप्टिकॉन के लिए नहीं। वो धीरे धीरे हमारी चाल समझ जाएगा और उसकी सही गलत की परिभाषा उसके काम में रोक लगाएगी, बस इससे पहले कि मैं उसे मारने पर मजबूर हो जाऊं। वो आयाकॉन की सारी जानकारी मेरे हवाले कर दे। सो गए क्या? एक इमरजेंसी है। एजेंट फाउलर, ऑप्टिमस मिला क्या? नहीं, डिसेप्टिकॉन्स मिले और वो उसी मिलिट्री रिसर्च लैब पर हमला कर रहे हैं जिस पर 2 महीने पहले किया था। स्पेस ब्रिज बनाने के लिए हम उनके जरिए ऑप्टिमस तक पहुंच पाएंगे। रोल आउट। पावर सोर्स रख दो। क्या किसी की याद नहीं सता रही? ब्रिज को शुरू करो। हम तुम्हारे बॉस को कह देंगे कि तुमने सलाम भेजा है। आरसी, क्या मुसीबत है? ऑप्टिमस कहाँ है? जवाब दो। हाँ, 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 हाँ,
क्या? आरसी, मुझे उसका स्वागत करने दीजिए। नहीं, अगर ओरायन की नजर एक और ऑटोबॉट पर पड़ गई और अगर उसने अपनी आंखों के सामने उसे दम तोड़ते देख लिया तो उसके सवाल सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे। कुछ भी करके आरसी को इस शिप से जल्द रवाना करो। अपने कमरे में वापस जाओ, लॉर्ड मेगाट्रॉन का हुक्म है। इतनी भगदड़ क्यों मची है? ये क्या? तुम ना ही डिसेप्टिकॉन का ठिकाना जान पाई और ना ही देख पाई कि ऑप्टिमस वहां है या नहीं। उतना वक्त नहीं मिला। बल्क है? क्या तुम्हें उसकी जरूरत थी? मुझे तो बस अपने लीडर की जरूरत है। तुमने पूरी कोशिश की। हम में से कोई वहां होता तो ऑप्टिमस उसे वहां से बचा लाते। मैं उन्हें नहीं ला पाई। बात खत्म। रैचेट, तुम सबने ये क्या किया? वहां पर कई लोग जख्मी हो गए और ऊपर से मुझसे सैकड़ों सवाल पूछे जा रहे हैं। तुम ऑटोबॉट्स ने अगर कुछ नहीं किया तो पेंटागन तुम्हारा बेस बंद करवा देगी। उसके बाद तुम कहाँ जाओगे? क्या पता, शायद वो हमें किसी आइलैंड पर भेज दे या स्पेस में उड़ा दे। कम से कम जान तो छूटेगी। फाउलर का कोई दोष नहीं। डिसेप्टिकॉन से लड़ने से पहले ऑप्टिमस इंसानों को वहाँ से कहीं और जाने को कहते। हमें नहीं मालूम कि ऑप्टिमस क्या करते हैं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। वाह, तुमने तो हम सब की आँखें खोल दी। ऐसी और भी कोई बात है जो तुम हमें बताना चाहोगे? बच्चों के सामने मेरा मुंह मत खुलवाओ। हे, सबका ध्यान फजूल की बातों पर ही क्यों है? कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि डिसेप्टिकॉन्स वहां से क्या ले गए हैं? हाँ, पिछली बार जो पावर सोर्स हमने बनाया था वो उसे दोबारा ले गए स्पेस ब्रिज बनाने के लिए। और इस बात पर ध्यान देकर करें क्या? हम उनके स्पेस ब्रिज के तैयार होने का इंतजार करेंगे। क्यों? ताकि वो साइबरट्रॉन से और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ यहां ले आए? नहीं, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके साइबरट्रॉन तक मुझे भेज सके। हाँ? वो, ये तो बड़ी आइडिया है। मीको की मंजूरी मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा ये आसान होगा, लेकिन तुम पहले भी स्पेस ब्रिज पर कब्जा कर चुके हो। हमने उसे उड़ा दिया था, इसीलिए कब्जा करने और बर्बाद करने में बहुत फर्क है। बम्बलबी ने सही कहा, कोई तो रास्ता जरूर होगा। हेलो, स्पेस ब्रिज का मतलब समझते हो? स्पेस बहुत बड़ा है, कोई छोटा इलाका नहीं है जिसका पता किया और बस वहाँ चले गए। हम पृथ्वी के ऑर्बिट की छानबीन कर चुके हैं, कुछ होता तो हमें जरूर पता चलता। तो हो ना हो ब्रिज यहीं पर होगा, अर्थ पर। ये तो लोहे के कबाड़ में स्क्रू ढूंढने के बराबर है। तो अभी से उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन अब भी हम ये नहीं जानते कि रिसेप्टिकॉन ऑप्टिमस से क्या चाहते हैं, क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं।
स्टारस्क्रीम। कमांडर स्टारस्क्रीम कहो, तुम्हें जंग लग गया है क्या? जल्दी से अपने हथियार नीचे करो। माफ कीजिएगा सर, लेकिन लॉर्ड मेगाट्रॉन का हुक्म है कि आपको शिप में देखते ही कैद कर लिया जाए। क्या? जरूर तुमसे समझने में भूल हुई होगी। Optimus Prime! पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में ऑप्टिमस को लगता है कि वो ऑप्टिमस प्राइम नहीं, ओरायन पैक्स है। यानी वो चाबी, ये किसकी है? ये वेक्टर सिग्मा की एक चाबी है। वो रहस्यमयी शक्तियों का एक प्राचीन स्रोत साइबरट्रॉन पर है। साइबरट्रॉन पर जंग के आखिरी दिनों में जब हमने आयाकॉन हॉल के रिकॉर्ड्स हासिल किए थे, तब हमें कुछ खास जानकारियां मिली थी। अब तक हम उन्हें समझ नहीं पाए। नहीं, डिसेप्टिकॉन्स मिले और वो उसी मिलिट्री रिसर्च लैब पर हमला कर रहे हैं जिस पर 2 महीने पहले किया था। हम उनके स्पेस ब्रिज के तैयार होने का इंतजार करेंगे। क्यों? ताकि हम उसका इस्तेमाल करके साइबरट्रॉन तक मुझे भेज सकें। मैंने उन्हें अब तक शिप पर नहीं देखा। कमांडर स्टारस्क्रीम मर चुका है। ऑप्टिमस प्राइम, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ओह, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिसर्च लॉर्ड मेगाट्रॉन के लिए। तुम कोई मजाक कर रहे हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। और आपने मुझे क्या कहा, ऑप्टिमस प्राइम? क्यों ना कहूं? क्योंकि मेरा नाम है ओरायन पैक्स और मैं प्राइम के नाखून के बराबर भी नहीं। मैं तुम्हें कोई और समझ बैठा, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। आप स्टारस्क्रीम है ना? हाँ। लॉर्ड मेगाट्रॉन ने मुझसे कहा था कि आप मर चुके हैं। लॉर्ड मेगाट्रॉन की आधी से ज्यादा बातें कभी भी सच नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि हमारे लीडर झूठे और मक्कार हैं? लगता है तुम्हें उल्टी पट्टी पढ़ाई गई है ना? पहेलियां बुझाना बंद कीजिए स्टारस्क्रीम, प्लीज मुझे बताइए कि सच क्या है। बदले में मुझे क्या दोगे? स्टारस्क्रीम, हिलना मत। एक मिनट रुक जाओ। तुम बाहर मत आना। लेकिन मैं लॉर्ड मेगाट्रॉन का हुक्म है। सुनो रेफ, क्या टेस्ट कार तैयार है? तैयार है,
बॉम्ब रेंज का जीपीएस एक्टिवेट हो चुका है। मुझे शक है कि मेरे फेर बदल करने के बाद भी ग्राउंड ब्रिज इतनी दूर तक पहुंच पाएगा या नहीं। इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। Come on! कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। नहीं रेफ, नहीं, कोई फायदा नहीं। शायद हम घबराहट में भूल कर रहे हैं। स्पेस ब्रिज को बनाने में सालों लग जाते हैं और उसे बनाने की असली काबिलियत सिर्फ डिसेप्टिकॉन्स में है। जानते हो, मेरी जिम में एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें रस्सी पर चढ़कर छत तक पहुंचना होता है। वो इतना मुश्किल है कि मैं कभी नहीं चढ़ पाया, लेकिन जब मैंने बम्बलबी से ये कहा तो उसने मुझ पर भरोसा किया। मैंने हजारों बार प्रैक्टिस की और फिर बस कुछ ही हफ्तों में मैं छत तक पहुंच गया। आखिर हमारे हालातों का एक जिम क्लास से क्या वास्ता है? मैं तो बस तुम्हें थोड़ी देर अकेले रहना चाहिए। ऑप्टिमस, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ओरायन, आज के शोरगुल के लिए माफी चाहता हूं। तुम्हें उससे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं लॉर्ड मेगाट्रॉन, लेकिन आपने ये क्यों कहा था कि स्टारस्क्रीम मर चुका है? क्योंकि वो हमारे लिए मर चुका है। स्टारस्क्रीम पर मुझे बहुत भरोसा था, लेकिन उसने ऑटोबॉट से मिलकर हमसे गद्दारी की। मुझे कभी किसी ने इतना बड़ा धोखा नहीं दिया। उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ किया क्या? नहीं। बढ़िया, चलो अब भूल जाओ इस हादसे को और वापस अपने काम पर लग जाओ। जैसा आप कहें माय लॉर्ड। ओरायन में बेईमानी को समझने की काबिलियत है। मैंने मौका मिलने पर भी स्टारस्क्रीम को ना मारकर बड़ी गलती की, लेकिन वो गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। एनर्जॉन का कोई नामो निशान नहीं है। आरसी या बम्बलबी को स्पेस ब्रिज मिला? नहीं, वो अब तक ढूंढ रहे हैं। रैचेट, तुम जीत हो ना? हाँ हाँ, तुम जाकर दूसरे इलाके की छानबीन करो। ये क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसमें मेरे लिए शायद कोई संदेश है। ऑप्टिमस, स्टारस्क्रीम है। अगर तुम्हें अपने लीडर की जानकारी चाहिए तो फर्स्ट एड के साथ मेरे पास चले आओ, और वो भी अकेले। तुम्हें अकेले आने को कहा था ना? आज तक तुम्हारी कोई बात मानी है? ऑप्टिमस कहाँ है? मेरा इलाज करो, फिर शायद मैं तुम्हें बता दूं। मुझ पर रहम करो, मैं लीक हो रहा हूँ। फिर तो जल्दी बात करने में ही भलाई है। क्या ऑप्टिमस को कोई नुकसान पहुँचा है? वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें दिखता नहीं कि मुझे नुकसान हुआ है? वो कहाँ है? और कहाँ होगा, मेगाट्रॉन की वॉरशिप पर है। और वो शिप कहाँ पर है? ये तो कोई नहीं जानता। वो शिप है, वो रुकती नहीं है। उसे ढूंढने में महीनों लग गए और बदले में मुझे मिला ये जख्म। तुमने मुझे यहाँ अपना दुखड़ा सुनाने के लिए बुलाया है या जानकारी देने के लिए बुलाया है? मुझे असली जानकारी चाहिए। तो ठीक है, तुम्हारा चहेता लीडर अपना वजूद खो चुका है और अब उसका नाम है ओरायन पैक्स, और मेगाट्रॉन उसे ये यकीन दिला चुके हैं कि वो एक डिसेप्टिकॉन है। हमें पता है, कुछ नया बताओ। क्या, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला? ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है।
रुको, मुझे बस इतना ही पता है, सच में मुझे इस हालत में छोड़कर मत जाओ। नहीं छोड़ेंगे अगर तुम मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज का पता बता दो, नहीं तो यही सड़ते रहो। स्पेस ब्रिज? तुम्हारा मतलब है उन्होंने मेरी निगरानी के बगैर स्पेस ब्रिज बनाना शुरू कर दिया? इलाज करो और पता लेकर जाओ डॉक्टर। डिसेप्टिकॉन का स्पेस ब्रिज ठीक यहाँ पर है, एक एनर्जॉन माइन के अंदर, वहां जहाँ फ्यूल का भंडार है। शाबाश, इसका पता किसने दिया? एक खास खबरी ने। तो अब बस आपकी इजाजत चाहिए। क्या इंसान तुम्हारे प्लैनेट पर सांस भी ले सकते हैं? जैक को सूट मैं दूंगा, जो स्पेस के लिए बना है। नासा में मेरी काफी दोस्ती है। इसमें बहुत खतरा है। मॉम, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन ऑप्टिमस ने हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, और वो तो इंसान भी नहीं है। हमें ये करना ही होगा। माना कि सिर्फ जैक ही इस काम को कर सकता है जून, लेकिन अगर आप सोच रही हैं कि मैं जैक को वहां अकेले जाने दूंगी तो आप गलत हैं। कुछ लोग आम जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं होते। ऑप्टिमस प्राइम भी कभी एक मामूली क्लर्क ओरायन पैक्स था। जब तुम छोटे थे तो कहते थे कि बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनोगे। ठीक है, ऑप्टिमस प्राइम को ढूंढता हूं। ऑप्टिमस प्राइम दुश्मन ऑटोबॉट का लीडर, और स्टारस्क्रीम को लगा कि वो मैं हूं, और लॉर्ड मेगाट्रॉन ने कहा कि रैचेट ऑटोबॉट का लीडर है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। हम ग्राउंड ब्रिज के जरिए सीधे एनर्जॉन माइन में जाएंगे और स्पेस ब्रिज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमें कुछ डिसेप्टिकॉन से भी निपटना पड़े। एक बार स्पेस ब्रिज पर कब्जा हो जाए फिर जैक को बुलाएंगे। ये काम हमें बहुत ही खामोशी से करना होगा। उनकी तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। उन्हें हमारी भनक भी लग गई तो वो वॉरशिप को सावधान कर देंगे। फिर हम चारों को 400 से लड़ना होगा। वहां पर पहुंचते ही उनके कम्युनिकेशन सिग्नल को बंद करने से काफी मदद मिलेगी। ब्रिज पर कब्जा करना आसान है, मुश्किल होगा उस पर कब्जा जमाए रखना जब तक जैक और मैं साइबरट्रॉन जाकर लौट नहीं आते। अगर रैफ अपने जिम क्लास में रस्सी पर चढ़ सकता है तो हम भी ये कर सकते हैं। जिम क्लास का इन सब से क्या लेना देना है? और अगर रैचेट धावा बोलने के लिए जा सकता है तो मैं भी जाऊंगी। नीको, तुम यहाँ रहकर ग्राउंड ब्रिज और कम्युनिकेशन चलाने में रैफ की मदद करोगी। साइबरट्रॉन नहीं जा सकती, डिसेप्टिकॉन के स्पेस ब्रिज पर कब्जा नहीं कर सकती, और नर्स डाबी यहाँ इमरजेंसी के लिए हर वक्त रहेंगी। जैक, चलो अपना सूट पहन लो। कोई नहीं यहाँ भी। ये स्पेस ब्रिज कंट्रोल है, हम पर हमला हुआ है। कमांड, आवाज आ रही है। हम आ गए। स्पेस ब्रिज, थैंक यू स्टारस्क्रीम। उसके अलावा कौन बता सकता है? Yo, 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 yo,
ये इंजीनियरिंग का अजूबा है। काम करेगा? बिल्कुल। कब्जा हो चुका है, अब शुरू होगा असली काम। बेस को कांटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन शुरू कर रहा हूँ, जो मिशन के दौरान भी हमारे बहुत काम आएगा। स्ट्राइक टीम टू बेस, मिशन शुरू करो। तुम्हें चलना चाहिए। मेरे लिए कोई निशानी लाना, अगर तुम्हें बाथरूम जाना हुआ तो क्या करोगे? संभल कर जाना। बस अब जल्दी जाओ, ऑप्टिमस को तुम्हारी जरूरत है। साइबरट्रॉन पर लॉक कर रहा हूं। तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार। मैं स्पेस ब्रिज के पोर्टल को खुला ही रखूंगा। दूर का सफर है इसलिए कम्युनिकेशन टूट सकता है, और इससे तुम्हें उस तक दोबारा पहुंचने में भी आसानी होगी। पहुंचने में मतलब? ये ब्रिज सीधे वेक्टर सिग्मा के पास नहीं जाता? वेक्टर सिग्मा के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है जैक। कहते हैं सिर्फ प्राइम्स ही वहां जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि ऑप्टिमस तुम्हें रास्ता दिखाएगा। घबराओ मत, स्पेस ब्रिज ग्राउंड ब्रिज जैसा ही होगा। बस ये ज्यादा दमदार होता है। मैं एक दूसरे प्लैनेट पर हूं। आरसी, ये तो कमाल हो गया। आरसी, अपनी दुनिया की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। I'm sorry. लड़ाई के जुनून में हमें सिर्फ या तो अगला मिशन नजर आता था या हम पर होने वाला अगला वार। हमने साइबरट्रॉन को बचाने की बहुत कोशिश की, पर जब आंखें खोलकर देखा तो बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। आरसी, जैक, मुझे सुन सकते हो? बिल्कुल, हम साइबरट्रॉन पर हैं। यस! लाख लाख शुक्र है। कोशिश करना कि उन नजारों में गुम ना हो जाओ। बिल्कुल, लेकिन पता नहीं कि वहां से तुम्हारी मंजिल पास है या कोसों दूर। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रैचेट ने कहा था चाबी रास्ता दिखाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे या फिर ये। अब समझे? इसमें वक्त लग सकता है। स्पेस ब्रिज कंट्रोल, आवाज आ रही है? स्पेस ब्रिज कंट्रोल, ब्रेक डाउन बोल रहा हूं। तुमने अब तक रिपोर्ट भेजी क्यों नहीं? ये क्या हुआ? फल्क है, नहीं, वो तुम्हारी आवाज पहचान लेगा। थोड़ी भारी कर लेता हूं या पतली, वो मेरी भी आवाज पहचान सकता है। जवाब दो स्पेस ब्रिज कंट्रोल, मुझे वहां आने पर मजबूर मत करो, जल्दी जवाब दो। उसे कोई जवाब दो इसी वक्त। रैफ, सुनो, एजेंट फॉलर को कनेक्ट करो। हाँ, अगर फौरन जवाब नहीं दिया तो मैं। स्पेस ब्रिज कंट्रोल है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ठीक है तो इतनी देर क्यों लगी? हम सब सिस्टम को कैलिब्रेट कर रहे थे और क्या है कि थोड़ी सी खराबी आ गई थी, लेकिन अब ठीक है। मतलब आप कैसे हैं? बहुत अच्छा।
अच्छा, जानता हूँ वहाँ काम करना मुश्किल है, फिर भी काम में जुटे रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, कंट्रोल आउट। डिसेप्टिकॉन्स की फाइल्स को एनक्रिप्शन के जरिए छिपा कर क्यों रखा गया है? ऑप्टिमस प्राइम, ये कैसे हो सकता है? हमारा एनक्रिप्शन भी उसे सच जानने से रोक नहीं पाया। ओरायन का काम अधूरा है, इसलिए उसे काम को जारी रखना होगा, चाहे उसके लिए उसे तकलीफ क्यों ना देनी पड़े। लेकिन मुझे प्रोजेक्ट आयाकॉन चाहिए। उस तरफ केयॉन की तरफ, यानी डिसेप्टिकॉन का शहर। बढ़िया, यहां से पैदल चलना होगा। मैं इंजन की आवाज से किसी का ध्यान खींचना नहीं चाहती। डिसेप्टिकॉन्स का? दरिंदों का। इस तरफ। पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में, क्योंकि सांचा अब उसके अंदर नहीं है, इसीलिए वो फिर से वही पुराना ऑप्टिमस बन गया है, जो ना तो प्राइम था ना ही ऑप्टिमस। एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जिसमें मेरे लिए कोई संदेश है। ऑप्टिमस कहाँ है? नहीं छोड़ेंगे अगर तुम मेगाट्रॉन के स्पेस ब्रिज का पता बता दो। स्पेस ब्रिज? उन्होंने मेरी निगरानी के बगैर स्पेस ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही स्पेस ब्रिज पर कब्जा हो जाएगा, हम जैक को बुलाएंगे। मुश्किल होगी उस पर कब्जा जमाए रखने में, जब तक जैक और मैं साइबरट्रॉन जाकर लौट नहीं आते। मैं और ऑप्टिमस प्राइम, ये कैसे हो सकता है? वेक्टर सिग्मा के ठिकाने के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है जैक। कहते हैं सिर्फ प्राइम ही वहाँ जा सकते हैं। हम नजदीक हैं।
वेक्टर सिग्मा यहाँ पर कैसे? केओन हमेशा से डिसेप्टिकॉन्स का शहर नहीं था, मेगाट्रॉन ने उस पर कब्जा किया था बिना इस जानकारी के कि इसके नीचे क्या है। किसी तरह के बड़े से बॉट बीटल ने हमला कर दिया है, यानी इंसेक्टिकॉन। क्या कहा? डिसेप्टिकॉन साइबरट्रॉन पर क्या कर रहे हैं? कुछ वहीं पर रुक गए थे दुश्मन के लौटने का इंतजार करते हुए। जैक जाओ। सच में? आरसी के बिना उसे राह कौन दिखाएगा? नहीं, नर्स डाबी आरसी जैक का बैकअप है, उसे राह तो चाबी दिखाएगी। जल्दी जाओ। उसकी बात मानो जैक, तुम उसके बहुत करीब हो, ऑप्टिमस को तुम ही बचा सकते हो। हाँ ठीक है मॉम। ओरायन, प्रोजेक्ट आयाकॉन का काम कहां तक पहुंचा? लगता है मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। कहीं इसकी वजह काम के अलावा देर तक की गई तुम्हारी रिसर्च तो नहीं? क्या मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है? इतिहास में मुझे धोखेबाज ऑटोबॉट्स का साथी क्यों बताया गया है और स्टारस्क्रीम ने मुझे प्राइम क्यों कहा? मैं जानना चाहता हूं आखिर मैं कौन हूं। तुम मेरे क्लर्क हो, अब काम करो और जल्दी डेटाबेस डिकोड करो। नहीं, इससे पहले कि तुम मेरे काम का गलत इस्तेमाल करो, मैं उसे मिटा देना ही सही समझूंगा। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारी रिसर्च की हुई इतनी कीमती जानकारी की कॉपी नहीं बनाएंगे? हमारे एक इंसेक्टिकॉन साइबरट्रॉन पर हरकत में है। तुमने ये क्यों कहा कि हमारे प्लैनेट पर कुछ भी नहीं बचा? सवाल पूछना बंद करो वीरो, और तुम मेरे लौटने तक प्रोजेक्ट आयाकॉन पूरा कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
इसका मतलब मेरा स्पेस ब्रिज साइबरट्रॉन पर जाने के लिए इस्तेमाल किया और उसे खुला छोड़ा है। ऑटोबॉट सिर्फ एक ही मकसद के लिए इतना खतरा उठा सकते हैं, ऑप्टिमस को पहले जैसा बनाने के लिए। खुशखबरी है, मैं पहुंच गया। अरे वाह, डाउनलोड शुरू हो गया शायद। ऑप्टिमस लौटेगा। तुमसे रोकने को किसने कहा ओरायन पैक्स? जरूर मेगाट्रॉन प्रोजेक्ट आयकॉन की जानकारी हासिल करके ऑटोबॉट्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है। प्लीज हमें उन्हें सावधान करना चाहिए। इसमें काफी वक्त लग रहा है। हाँ वो तो लगेगा ही, प्राइम्स के ज्ञान को जमा करना कोई मामूली बात नहीं। स्क्रैपलेट्स आ गए। ये स्क्रैपलेट क्या होता है? स्क्रैपलेट्स इसी वक्त क्यों अटक गए? अगर वो मैट्रिक्स को उसमें समाने से पहले वेक्टर सिग्मा को खा गए तो वेक्टर सिग्मा किस्सा नहीं हकीकत है। तुम ऑटोबॉट्स ने अपने लीडर को बचाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। आइंदा मैं तुम्हें कभी भी कम समझने की गलती नहीं करूंगा। अब आरसी इस पोर्टल से आएगी और उसी के हाथ में होगा दोबारा भरा गया मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। हम तुम्हें उसे हासिल नहीं करने देंगे। जैक,
नहीं, रुकना मत। अर्सी, आगे मत बढ़ना। Hey guys, जाओ पेट भर के खाओ। चाहिए था मिल गया, तो चलो। सच कहूं तो आज ऑटोबॉट्स के लीडर को पीटने में बहुत मजा आ रहा है। रुक जाओ। मेरे पास हथियार है। बस पहुंचने वाले। रैचेट, मैट्रिक्स मिल चुका है, हम लौट रहे हैं। रैचेट, कुछ गड़बड़ है। हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए या नहीं? ताकि मैं उस जड़ को ही मिटा दूं जो प्राइम्स पैदा करती है। मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता मेगाट्रॉन। तुम्हारा उससे क्या वास्ता ओरायन पैक्स? तुम प्राइम नहीं हो? शायद ये सच हो या फिर एक और धोखा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऑटोबॉट्स सही हैं और तुम गलत, और तुम हम में से नहीं हो। तुम्हारा दिल अब तक बदला नहीं है, वैसा ही है। लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले तुम्हें काफी कुछ सीखना होगा। लेकिन अफसोस, वो वक्त कभी नहीं आएगा। क्या तुम्हें लगता है मैं इसका हकदार हूं? और कोई हो भी नहीं सकता। हाँ।
तुमसे दोबारा मिलकर बड़ी खुशी हुई। अब चुपचाप सांचा मुझे दे दो। मेगाट्रॉन, सुधर जाओ। रैचेट, हम यहां कैसे पहुंचे? लंबी कहानी है दोस्त। बेस टू आरसी, हमें 5 ऑटोबॉट्स के सिग्नल मिल रहे हैं। क्या प्राइम तुम्हारे साथ है? हाँ, और जैक भी। यस। चलो, खुल गया। ऑटोबॉट्स, वापस चलो। इस बार हम इन्हें खोएंगे नहीं। कैसे हो रहा? वो हम सब याद है। हालांकि ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे बिल्कुल याद नहीं। ऑप्टिमस, हम पर बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी थी, पर एक बात साबित हो गई। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम हमेशा एक ऑटोबॉट ही रहोगे। मेगाट्रॉन, लगता है तुम्हें प्राचीन ऑटोबॉट फ्रीक्वेंसी इसलिए मिली क्योंकि उसे जमीन से बाहर निकाला गया है। हमारा बैकअप किसी भी वक्त आता होगा। ये जाने बिना कि डिसेप्टिकॉन्स के हाथ क्या लगा है, मैं एक पल भी और इंतजार नहीं करूंगा। दिखाओ मुझे, उसे मेरे पास लाओ। मेगाट्रॉन, मैं तुम्हें ऑटोबॉट की निशानियों को चुराने नहीं दूंगा। ये कोई मामूली निशानी नहीं है ऑप्टिमस। अगर तुम नहीं चाहते कि हम सब की जान एक झटके में निकल जाए, तो चुपचाप अपने हथियार नीचे कर दो। ये नामुमकिन है। स्पार्क एक्सट्रैक्टर। We'll be right back.
दिखने में खास नहीं, लेकिन ये अपने आसपास के सारे स्पार्क्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है और मुझे इस तक तुम्ही ने पहुंचाया है ऑप्टिमस, या यूं कहूं कि ओरायन पैक्स ने। तुम्हें अपने डिसेप्टिकॉन के निशान को मिटाना नहीं चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उन कोड्स को समझाकर तुमने मेरी कितनी ज्यादा मदद की है ऑप्टिमस प्राइम। साउंड वेव ग्राउंड ब्रिज शुरू करो, इन्हें उलझाए रखो। बे स्पार्क एक्सट्रैक्टर को हासिल करो। क्या तो अच्छा आ गए बम्बलबी। ऑप्टिमस ये देखो, इसकी वजह से हमें वो प्राचीन फ्रिक्वेंसी मिली थी। एक आयकॉन का रेडियो डिवाइस। ऑटोबॉट का डिवाइस उस पर क्यों लगा है? जंग के दौरान डिसेप्टिकॉन्स के क्लास ए वेपन्स को आयकॉन के अंदर वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा गया था, जहां आप क्लर्क का काम किया करते थे। आयकॉन एक कल्चरल सेंटर भी था और खुफिया चीजें रखने की जगह भी। ऑटोबॉट की फौज के कमजोर पड़ते ही मेगाट्रॉन ने उस पर धावा बोल दिया और ये बात समझ में आती है कि आयकॉन में पड़े हथियारों की भनक दुश्मन को न पड़ जाए, इसलिए उन्हें अलग अलग जगह पर रख दिया गया ताकि वो डिसेप्टिकॉन से दूर सुरक्षित रहे। यानी कि उस डिवाइस को उन हथियारों पर इसलिए लगाया गया था ताकि दुश्मन के हाथ लगने पर भी उसका पता चल जाए। हमारे जाबाज ड्राइवर का शुक्रिया अदा करो, जिसकी वजह से ये हमारे पास ही है। आपने मेगाट्रॉन को और किन चीजों की जानकारी दी है? आरसी, तुम्हारा सवाल सही था, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे कुछ याद नहीं। ऑप्टिमस, मेगाट्रॉन ने तुम्हारी याददाश्त खोने का फायदा उठाया था, लेकिन स्पार्क एक्सट्रैक्टर से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। जरा ये सोचो कि अगर वो तुम्हारे दिमाग पर हमेशा के लिए काबू कर लेता तो फिर क्या होता। वो स्पार्क एक्सट्रैक्टर मेरे हाथ में था। जब मौका मिला था तब मुझे उसका वॉइस बॉक्स नहीं स्पार्क निकालना चाहिए था। बिल्कुल साउंड वेव, हमारे पास दो और कोऑर्डिनेट्स हैं जिनकी जानकारी ओरायन पैक्स ने जाने से पहले दी थी। देखते हैं इन दो जगहों से हमारे हाथ कौन सी नायाब चीजें लगने वाली है। वही सिग्नल मिल रहा है, एक और रेडियो डिवाइस होगा, उस सिग्नल के पास तुमसे मिलता हूं। साइलस, एक और हमारी ही तरफ आ रहा है, तकरीबन दो मिनट में आ जाएगा। तो फिर जल्दी करो,
लगता है वो सिग्नल एक जाल था। अच्छा हुआ मैं नहीं बम्बल भी फंसा। बैकअप वक्त से पहले ही आ गया। जो चाहिए था वो मिल गया। क्या बात है, वापस चलो। बम्बलबी, ये किसने किया? डिसेप्टिकॉन्स ने। अभी पता लगाते हैं, चलो। चल रहे हो या नहीं? ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, मतलब? तुम बम्बलबी को ठीक कर सकते हो, है ना? बम्बलबी पर बहुत गहरा वार हुआ है, शायद उसी की वजह से उसका टी कॉक जल गया होगा। क्या वो होता है टी बोन की तरह? बिल्कुल नहीं, वो एक ऑर्गन है जिसकी मदद से हम स्कैन और ट्रांसफॉर्म होते हैं। यकीन नहीं होता, बम्बलबी का टी कॉक खराब नहीं, वो गायब है। लेकिन डिसेप्टिकॉन्स भी ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो उसे क्यों चुराएंगे? मेगाट्रॉन कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करेगा। अगर इसके पीछे मेगाट्रॉन नहीं है तो फिर कौन है? वही जिन्होंने ब्रेकडाउन को तोड़ा था और मुझे भी तोड़ना चाहते थे, मैक। और लगता है कि साइबरट्रॉन की बायोटेक्नोलॉजी के बारे में उनकी जानकारी काफी बढ़ चुकी है। पर वो बम्बलबी के पुर्जे का करेंगे क्या? बम्बलबी प्लीज, इस वक्त तुम उनसे निपटने के लिए सक्षम नहीं हो। मुझे गलत मत समझो, मैं जानता हूं अपने किसी जरूरी हिस्से से अलग हो जाना क्या होता है, और इसीलिए अपने साथियों पर पूरा भरोसा करने का मतलब भी मैं जानता हूं। तुम्हें ठीक करने के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, ये तुमसे मेरा वादा है। अगर नहीं कर पाए तो राचेट तुम्हारे लिए एक नया बना देगा, है ना? कुछ गलत कहा क्या? मीको, टीकॉक एक बायोमैकेनिज्म है, कोई बेजान पुर्जा नहीं है। अगर सब इतना आसान होता तो क्या मैं अब तक बम्बलबी के लिए नया वॉइस बॉक्स नहीं बना देता? तुम बेकार नहीं हो बी। ठीक है ठीक है, जब तक बम्बलबी का कॉग नहीं मिल जाता हम में से कोई ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बल्कहेड, पर इस वक्त हम अपनी ताकत पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तब तो बिल्कुल नहीं, जब मैक तबाही मचाने की तैयारी कर रहा हो, और मुझे शक है कि मैक बम्बलबी के टी कॉक के जरिए किसी शैतानी इरादे को अंजाम दे रहा है। टेस्ट शुरू किया जाए। इंस्टॉलेशन हो गया, स्कैन शुरू करता हूं। स्कैन कामयाब रहा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करता हूं। hmm.
तो वो तुम ही हो जिसने बेचारे ब्रेकडाउन को बांध कर उसके पुर्जों को अलग कर दिया था। उस तजुर्बे से तुमने कुछ भी नहीं सीखा है ना? डिसेप्टिकॉन के कमजोर पुर्जों की जानकारी मिल गई थी। ओह, छोड़ो ना, मैं अब किसी भी टीम के लिए काम नहीं करता। और वैसे भी अगर मैं बदला लेने यहाँ आता तो तुम इस वक्त अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मिलकर काम करना है, इसलिए। तुम जानते नहीं, हम दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं, और मैं सिर्फ हमारे जंग के निशानों की बात नहीं कर रहा। तुम्हारे साथ हाथ मिलाने से मुझे क्या हासिल होगा? तुम्हें अंदर की खबरें मिलेंगी। समझदार हो। अब एक टीकॉक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बायोलॉजी है। यानी इसे कोई भी पावर सोर्स चला नहीं सकता एनर्जॉन के अलावा। बोलते रहो। एनर्जॉन ही फ्यूल है, ताकत है, हर साइबरट्रॉन वासी के रगों में दौड़ता खून है। फिर चाहे वो किसी भी टीम का हो, हम दोनों को उसकी जरूरत है। और फिलहाल मेरे पास उसे ढूंढने का साधन नहीं है, पर एक बार मैं तुम्हें उसका सिग्नल ढूंढना सिखा दूं। फिर तुम एक ऐसी मशीन बनाना जिसे हम दोनों ढेर सारा एनर्जॉन ढूंढ कर आपस में बांट लेंगे। अगर मैक के इस्तेमाल के बाद कुछ बचा तो वो तुम्हें मिलेगा। क्या पूरी फौज खड़ी करने का इरादा है? मुझे ऐसे इरादों वाले लोग पसंद हैं। ऑप्टिमस और बल्कहेड ने अभी तक कोई खबर नहीं दी। बम्बलबी, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। इसने तो तंग करके रख दिया है मुझे। क्या कोई इसे अपने साथ बिजी रख सकता है ताकि मैं अपना काम कर सकूं? हे बम्बलबी, चलो वीडियो गेम खेलते हैं। गलती हो गई, सॉरी। हे चलो छोड़ो, ये गेम तो बेकार है। क्यों ना आराम से थोड़ा टीवी देखा जाए। अर्बाना 500, ये आपको सिर्फ मजा नहीं देगी, आपकी जिंदगी बदल देगी। बेचारे इस ऑटोबॉट में से ऑटो निकालकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। बम्बलबी मेरी बात सुनो, तुम कार बने बिना भी शानदार हो, मतलब रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। क्या रफ्तार थी आरसी, 120 पर तो यूं पहुंच गई। बम्बलबी, अब तुम अचानक कहां चल दिए? तुम टहलने नहीं जा सकते, हमें भेस बदलना पड़ता है। इस रूप में बाहर जाओगे तो नजर में आ जाओगे और हमारा राज खुल जाएगा। तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मैं हाँ बम्बलबी, जब तक कि मैं तुम्हें ठीक ना कर दूं। आ जाओ बैठो। मुझे लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, जैक की मॉम के दोस्त जो कि हॉस्पिटल में नर्स है। बाकी सब कहाँ है? जैक काम पर है, मीको को सजा मिली है फिर से। मुझे लगा बल्क हेड आएगा। सॉरी, वो आ नहीं सका क्योंकि वो पहरेदारी पर गया है। तुम्हारे लिए सायरन ऑन करके चलाऊं? नहीं शुक्रिया। शायद वही है, सबको सावधान करता हूँ।
जानता हूँ हम उनसे निपट सकते हैं, लेकिन हम अकेले क्यों जाएं? तुम साबित क्या करना चाहते हो? रैचेट, बम्बलबी के वॉइस बॉक्स को क्या हुआ था? वो जंग में बुरी तरह बर्बाद हो गया था। कैसे? क्या मतलब कैसे? दर्दनाक तरीके से। उस वक्त वो टाइगर पैक्स में था। पता नहीं कैसे वो मेगाट्रॉन के हाथ लग गया और उसने उससे पूछताछ की, लेकिन बहादुर बम्बलबी ने कुछ नहीं बताया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। बम्बलबी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन ऑटोबॉट की सेना उसे ऐसी जगह ले गई जहां उसका इलाज हो पाया। एक डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहा। फिर तो उस डॉक्टर ने बम्बलबी पर बहुत बड़ा एहसान किया। पता नहीं ऐसा कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि उस डॉक्टर को लगा कि वो और बेहतर कर सकता था। आ जाओ। पता नहीं मैं तुम्हारी बातों में कैसे आ गया। तुम मीको से भी ना समझो। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ हर मिशन में चेज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बिना तुम्हारे ठीक है और नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ऑप्टिमस को पता चला तो सारा दोष तुम ही लेना। हमें सिग्नल वहां से मिल रहा है और वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दम है तो पकड़ के दिखा। मैं उसे पकड़ता हूं। ठीक है, तुम ही उसे पकड़ो। लगता है दौड़ने का बहुत शौक है इसे। तुम मेरे टायर्स पर शूट करने की कोशिश भी मत करना। बम्बलबी, आज कहां गया तुम्हारा जोश? हाँ, चलो अपनी रफ्तार दिखाओ। किराए की गाड़ी की नौबत आ गई। मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलता, लेकिन मुझे एक जरूरी चीज पहुंचानी है।